प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए किसी की जान ले, क्या यह सही है? अक्सर कहा जाता है कि प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। क्या इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई वो प्यार है? अगर हाँ है तो बचकर रहिए आप ऐसे प्यार से और ऐसे प्यार करने वालों से। आज जयपुर में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसको सुन आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है पति पत्नी और प्रेमी का। जी हाँ, और पत्नी के दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध का विरोध करना एक पति को इस कदर भारी पड़ गया कि उसे जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। जरा सोचिए, जिस पत्नी के साथ शादी कर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन उसी पत्नी ने उसकी जान ले ली। कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो पति का गला दबाकर मारा और फिर जी नहीं भरा तो मकान में ही बने 15 फीट गहरे सीवरेज टैंक में शव को पटक उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी के संग भी सो गई। लेकिन किसी का जुर्म आखिर कब तक छुपा रह सकता है? कभी ना कभी तो सच सामने आना ही था। सीवरेज टैंक में दिनों दिन बदबू उठते देख अन्य किरायेदारों ने टैंक का ढक्कन खोला तो उसमें सड़ी गली लाश देखकर सबके होश उड़ गए। आपको बता दें, यह घटना राजस्थान में जयपुर के करदनी इलाके की है, जहां 7 मई को देर शाम सरना डूंगर में जान मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति की लाश उसी के घर में बने सीवरेज टैंक में मिले, जिसके बाद मौके पर करदनी थाना पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक की पत्नी शाहजा खातून ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो शाहजा खातून ने बताया कि उसके पति 2 मई को नौकरी के लिए उदयपुर का बोलकर निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कॉल नहीं लगा। पत्नी के इस तर्क से पुलिस को शक हुआ और संदेह सामने आया कि अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, और जब पुलिस को झगड़े की वजह पता चली तो उन्होंने मृतक की पत्नी शाहजहां खातून से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज से पर्दा उठा दिया। प्रेमी धर्मेंद्र के साथ मिलकर पति जान मोहम्मद की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि आरोपी पत्नी शाहजहां खातून उसके प्रेमी आरोपी धर्मेंद्र पासवान के साथ अवैध संबंध में थी। जब पति मृतक जान मोहम्मद को इसका पता चला तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। यही नहीं, शाहजहां खातून अपने प्रेमी धर्मेंद्र के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके पति उसके आड़े आ रहा था। ऐसे में 2 मई की रात जब पति जान मोहम्मद घर आया तो शराब के नशे का फायदा उठाते हुए पत्नी ने पहले दुपट्टे से पति के हाथ पैर बांधे, उसका गला दबाया। उसके बाद मौत की पुष्टि करने के हो गई जब उसने देखा कि वो पति मर चुका है तो सीवरेज टैंक में उसको डाल दिया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और उसकी लाश को छुपा दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले शाहजहां खातून और उसके प्रेमी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र पासवान से 1 साल से अवैध संबंध थे, और पिछले कई महीनों से महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को देख अब हर कोई सोच में है, आखिर इस हद तक भी लोग गुजर सकते हैं क्या? हमारे समाज में रिश्तों का एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, उनमें से एक रिश्ता है पति पत्नी का। यह एक खास बंधन होता है, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर विश्वास जताते हैं और विश्वास आजीवन बना रहता है। लेकिन आज के समय को देख ऐसा लगता है कि रिश्ते की अहमियत हमारा समाज धीरे धीरे खोता ही जा रहा है, और इस घटना से तो साफ जाहिर होता है। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।